नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रुस्तो की। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। पर्यटन मंत्री ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां। पर्यटन एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करी, फिर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी विकास के पथ पर बढ़ रहा है, प्रदेश में पूरी तरीके से गुंडा राज खत्म हो गया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। पूरे प्रदेश वासियों को और आप सबको इस बात के लिए बधाई कि आज ही के दिन 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों का इतिहास बदलते हुए पार्टी की नीतियों, रीतियों और कार्यों के आधार पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने देने का काम किया और आज एक वर्ष हमारी सरकार के कार्यकाल का पूरा हुआ है और हमें खुशी है कि पूरे प्रदेश ने जिस आशा और अपेक्षाओं के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनादेश देने का काम किया था, उन जनापेक्षाओं पर खरा उतरते हुए आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी वादे और संकल्प हम लोगों ने जनता के साथ किए थे उनको पूरा करने का कार्य बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से तेजी से पूरा किया गया है और जो शेष है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रदेश में विकास कार्यों को लेके, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके और खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना है पिछले छह सालों में, उसी का परिणाम है आज अपराधी भयभीत होकर के भागे हुए हैं, जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए या ऊपर पहुंच गए, और इन्हीं चीज़ों का परिणाम है कि जो प्रदेश में निवेश का वातावरण बना, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित हुआ, उसमें सरकार का लक्ष्य और उम्मीद थी कि हम लोग 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव संभवतः पा लेंगे, लेकिन आज गौरवमयी तरीके से हम लोग कह सकते हैं 10 लाख करोड़ के सापेक्ष 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं और उन निवेश प्रस्ताव में लगभग 1 करोड़ लोगों के, जब ये धरातल पर आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। और इसमें खासकर अगर बरेली की बात करें तो बरेली जनपद में भी 40.08 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 40.08 करोड़। 71वीं यूपी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन बना बरेली जोन। 71वीं यूपी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच बरेली जोन व लखनऊ जोन के मध्य खेला गया। इसमें बरेली जोन ने लखनऊ जोन को 1.0 से हरा कर ट्रॉफी जीत ली। एडीजी पीसी मीना, आईजी राकेश सिंह ने चैंपियन टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करा। इस मौके पर एसपी सिटी राहुल भाटी, एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह, एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अवैध कॉलोनियों पर गर्जी बीडीए की बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर शनिवार को बदायूं रोड स्थित 5 अवैध कॉलोनियों पर गर्जी। बीडीए ने आईटीबीपी के पास स्थित क्लासिक सिटी समेत अन्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। धर्म परिवर्तन मामले में महिला ने आरोपों को किया खारिज। करनी सेना के साथ आए युवक ने गुरुवार को इज्जतनगर थाने में मुस्लिम युवक पर पत्नी को बहलाकर ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने महिला से पूछताछ करी तो उसने बताया कि पति अक्सर मारपीट करता था, इसलिए वह मायके में आकर रहने लगी है। अपहरण और धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज कर दिया। बताया कि मुस्लिम युवक से उसका कोई वास्ता नहीं है। महिला के बयान के आधार पर पुलिस मुकदमा खत्म करने की तैयारी कर रही है। बच्चे छीनकर महिला को घर से निकाला। मुरादाबाद के कुरी रवाना में रहने वाली मालती शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि पति जुगेंद्र उन्हें और उनके 3 बच्चों को बहाने से हारून नगला स्थित देवर वालेंद्र के घर पर ले आया, जहां ससुराल वालों ने उसे पीट कर घर से निकाल दिया और उसके बच्चों को छीन लिया। उसने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
फिलहाल आज की बरेली की खबरों में इतना ही। ऐसी ही अन अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।